हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू सत्यप्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल. इन टुडेज लेट बी स्टार्टेड विथ अवर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 14 स्मार्ट चार्ट्स. ओके, इन अवर लास्ट लेक्चर वी वॉज कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 13 फिल एंड फेंसेस. ओके, सो इन अवर चैप्टर नंबर 13 इन द फिल एंड फेंसेस वी लर्न अबाउट द पेरीमीटर ऑफ द एनी टाइप ऑफ सेल. ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड वी लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप. ओके, सो आई होप यू हैव टू कंप्लीटेड द टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड वर्कबुक ऑफ चैप्टर नंबर 13. नाउ टुडे लेट वी स्टार्टेड विथ अवर चैप्टर नंबर 14 स्मार्ट चार्ट्स. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न द डिफरेंट चार्ट्स and from the charts we learn the different types of questions and charts. How? Let's see in the chapter. How many of us? Okay, all of us enjoy watching television or listening to the radio. You can see in the picture on the page number 162, some children are listening the radio and some children are watching the TV. All of us enjoy watching television or listening the radio. कुछ लोग जो है वो रेडियो सुन के मतलब एंजॉय कर रहे थे एंड सम आर वॉचिंग द टी वी एंड एंजॉइंग द डे. ओके, सो फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस पिक्चर वी सॉल्व सम क्वेश्चंस. हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड दिस वीडियो स्पेंड इन दिस. अगेन आई रिपीट, हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन दिस. इसके अंदर मतलब टीवी में वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग द रेडियो, हम कितना टाइम हमारा जो है वो स्पेंड करते हैं डेली का. सो आप जितनी अवर स्पेंड करते हैं टू वॉचिंग द टीवी एंड लिसनिंग द रेडियो, यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करना है. मैंने आपके यहाँ पे लिखे 2 hours पर डे, रोजाना मतलब डेली 2 घंटा, 2 hours we are spending the time in the TV and radio. Okay? So, आप यहाँ पे कितनी hours per day spend करती है वो यहाँ पे लिखना है. Now, note the time you spend in front of the TV or radio every day. पहले every day का time जो है वो note करना है. मैंने यहाँ पे लिखा 2 hours per day. Do this for 1 week. ये 1 week के लिए आप daily करते हैं regular. So, the time spends in a week. तो वीक में कितना टाइम स्पेंड होता है डेली 2 hours, मतलब कि पर डे 1 days की है ना 2 hours होती है. देन वीक में कितने डेज होते हैं 7 days, तो यहाँ पे डेज हुए यहाँ पे आवर्स. 1 day की 2 hours, देन 7 days की हाउ मेनी. सो यहाँ पे ट्राइंगुलर मेथड यूज करेंगे. वी यूज द ट्राइंगुलर मेथड एंड नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 7 days 2 hours अपॉन 1. 7 2 14, इट मीन्स 14 hours पर वीक वी विल स्पेंड इन द वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग द रेडियो. ओके, इन वीक वी स्पेंड अवर 14 hours. नाउ सो इन अ मंथ यू स्पेंड अबाउट, सो मंथ में कितने टाइम स्पेंड होता है टीवी और रेडियो के अंदर. सो रोज डेली 2 hours, देन मंथ में कितने डेज होते हैं 30 या तो फिर 31. सो 30 into 2 60 hours, मंथ की 60 hours, पर वीक 14 hours एंड पर डे 2 hours. ओके, सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक. अभी आप लोगों को क्या करना है, ये आपकी आप लोगों ने फाइंड आउट की. नाउ आपके आसपास आपके फ्रेंड्स रहते हैं, उसको पूछना है, ठीक है, उसको आपको एक रेस्क्यू बनाना है. कैसे? फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक. वीक में, पूरा वीक में कितना टाइम्स टीवी के अंदर या रेडियो के अंदर स्पेंड करते हैं. सो हाउ मेनी, यहाँ पे एक टेबल दिया है, हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसन टू द रेडियो. अगेन आई रिपीट, हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसन द रेडियो इन अ वीक. वीक के अंदर पर वीक
कितना टाइम स्पेंड करते हैं टीवी और रेडियो के अंदर एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन कैसे हैं। सो यहाँ पे टेबल के अंदर फर्स्ट दिया है मोर देन 6 आवर। वीक पर वीक जो लोग, जो चिल्ड्रन 6 आवर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टीवी और रेडियो में, तो इतने चिल्ड्रन मतलब उसके संख्या कितनी है, उसके नंबर्स कितने हैं, वो यहाँ पे लिखना है। सेकेंड 6 आवर्स मतलब वीक में जो 6 आवर्स टीवी के मतलब रेडियो में स्पेंड करते हैं उस चिल्ड्रन की संख्या कितनी है। देन वीक पर वीक 5 आवर्स, पर वीक 4 आवर्स, पर वीक 3 आवर्स, पर वीक 2 आवर्स, पर वीक 1 आवर एंड पर वीक 0 आवर। इट मीन्स डू नॉट वॉच टेलीविजन एंड रेडियो, लिसनिंग द रेडियो। ओके, सो यहाँ पे मोर देन 6 आवर आपको अपने आसपास के फ्रेंड्स हैं ये जानना है कि वो पर वीक कितना टीवी देखते हैं। जो लोग आपको ऐसा बोले कि मैं पर वीक 4 आवर वीडियो टीवी देखता हूँ, तो उसकी संख्या आप यहाँ पे नोट करनी है। जो ऐसा कहते हैं कि पर वीक मैं 2 आवर्स जो है वो टीवी के पीछे स्पेंड करता हूँ, तो उसकी नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। ऐसा फ्रेंड आपका जो आपको ऐसा बोले कि मैं पर वीक 0 आवर मतलब कि टीवी नहीं देखता हूँ, उसके नंबर आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं। सो मैंने इस तरह से पूरा सॉरी इस तरह से पूरा मैंने चार्ट बनाया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो पूरे वीक में मोर देन 6 आवर वॉचिंग द टीवी एंड लिसनिंग द रेडियो। ऐसे 8 चिल्ड्रन हैं जो 6 आवर अपना टाइम जो है वो टीवी के पीछे स्पेंड करते हैं। 15 चिल्ड्रन 5 आवर्स, 20 चिल्ड्रन 4 आवर्स पर वीक, 6 चिल्ड्रन 3 आवर्स पर वीक, 4 चिल्ड्रन 2 आवर्स पर वीक, देन 2 चिल्ड्रन 1 आवर पर वीक एंड 1 चिल्ड्रन डू नॉट वॉचिंग द टीवी एंड लिसनिंग द रेडियो। ओके, नाउ इसको मैं यहाँ पे मेरी बुक के अंदर नोट डाउन करूँगी। मोर देन 6 आवर, मोर देन 6 आवर्स, then 6 hours, 5 hours, 4 hours, आपको भी मेरे साथ अपनी रफ बुक के अंदर कंप्लीट करना है। 3 hours, 2 hours, 1 hour and do not watch the TV, it means 0 hour। ओके, मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे नाउ नोट करूँगी। मोर देन 6 आवर ऐसे चिल्ड्रन है 10, 6 आवर 8 चिल्ड्रन, 4 आवर 15 चिल्ड्रन सॉरी 5 आवर 15 चिल्ड्रन, 4 आवर 20 चिल्ड्रन, 3 आवर 6 चिल्ड्रन, 2 आवर 4 चिल्ड्रन, 1 आवर 2 चिल्ड्रन एंड 0 आवर 1 चाइल्ड। 1 चाइल्ड ऐसा है जो पूरे वीक में कभी भी जो है वो टीवी नहीं देखता या तो फिर रेडियो नहीं सुनता। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन अबाउट दिस टेबल। सो लेट्स सी फर्स्ट फ्रॉम योर टेबल, वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू द रेडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर इन अ वीक। ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन है देयर टाइम स्पेंड मोर देन 6 आवर इन अ वीक। वीक में मोर देन 6 आवर मतलब 6 घंटे से ज़्यादा अपना टाइम टीवी के अंदर स्पेंड करता है। तो लेट्स सी अवर टेबल, मोर देन 6 आवर हाउ मैनी चिल्ड्रन है, 10। यस, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, 10। सो 10 चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर इन अ वीक। सेकेंड क्वेश्चन, ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल। ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं जो पूरे वीक में कभी भी अपना टाइम जो स्पेंड नहीं करते फॉर वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग द रेडियो। 1 चाइल्ड, यस और नो? यस। इतना हमने मतलब पूरा रेशियो टेबल बनाया, उसके अंदर 1 चाइल्ड ऐसा है जो कभी भी टीवी और रेडियो के पीछे अपना टाइम स्पेंड नहीं करता। 1 चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल। थर्ड, मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड ब्लैंक आवर इन अ वीक।
सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन किसके अंदर है जो वीक में सबसे मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? तो 20 चिल्ड्रन, यहाँ पर 10, 8, 15, 20, 6, 4, 2 एंड 1, तो 20 चिल्ड्रन ऐसे हैं, ठीक है, जो 4 आवर स्पेंड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोर चिल्ड्रन हुए, सो मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड 4 आवर्स इन अ वीक। कितनी आवर्स? 4 आवर्स वीक के अंदर स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स। ऐसे कितने चिल्ड्रन है देन मोर देन 3 आवर्स, मतलब 3 आवर्स से ज़्यादा जो है वो टीवी के पीछे टाइम स्पेंड करते हैं। सो लेट्स काउंट मोर देन 3 आवर्स, तो 3 आवर्स से ज़्यादा, लेट्स चेक। सो यहाँ पे ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स, सो लेट्स सी इन योर टेबल। 3 आवर्स कहाँ पे? यहाँ पे, ओके। तो 3 आवर्स टाइम स्पेंड करते हैं ऐसे 6 चिल्ड्रन है, ओके। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दिया है मोर देन 3 आवर्स, सो 3 आवर्स से ज़्यादा, तो 3 आवर हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 आवर्स से ज़्यादा पूछा है, मोर देन 3 आवर्स। तो 4, 5, 6 एंड मोर देन 6 आवर, ये चार जो है वो इंक्लूड हो गए। नाउ इस सारे चिल्ड्रन का एडिशन करते हैं, 10 + 8 + 15 + 20, ओके, 10 + 8 + 15 एंड देन +20, ओके, 8 + 5 = 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी में जाएगा, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 4 and 5 = 53, ओके। सो आंसर इज 53 चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स, ओके। 53 चिल्ड्रन ऐसे है जो अपना टाइम 3 आवर्स से ज़्यादा जो है वो टीवी और रेडियो में स्पेंड करते हैं। नाउ विच प्रोग्राम, नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ विच प्रोग्राम, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑन टीवी और रेडियो, सच एज कार्टून, न्यूज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, प्लेज, सीरियल्स, सो मैनी, ओके। सो टीवी और रेडियो पे कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, कार्टून, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, प्लेज, सीरियल्स एक्सेट्रा। सो जूही फादर लाइक्स वॉचिंग सीरियल, जूही के जो फादर है उसको सीरियल देखना पसंद है, और मदर लाइक्स स्पोर्ट्स, उसकी मम्मी को स्पोर्ट्स पसंद है, एंड जूही लाइक्स न्यूज प्रोग्राम्स। अगेन आई रिपीट, जूही के पापा को सीरियल्स देखना पसंद है, और मदर लाइक्स स्पोर्ट्स, उसकी मम्मी को स्पोर्ट्स पसंद है, एंड जूही लाइक्स न्यूज प्रोग्राम, जूही को न्यूज़ प्रोग्राम देखना पसंद है। नाउ फर्स्ट आस्क पीपल इन योर फैमिली टू नेम वन प्रोग्राम दे लाइक एंड वन प्रोग्राम दे डिसलाइक। अपने फैमिली के अंदर पूछो जिसको एक प्रोग्राम, वन प्रोग्राम दे लाइक एंड वन प्रोग्राम दे डिसलाइक, ओके। एंड टू मेक अ टेबल, लेट्स सी। फर्स्ट आपको यहाँ पे फैमिली मेम्बर का नेम लिखना है, नेक्स्ट प्रोग्राम दे लाइक एंड प्रोग्राम दे डिसलाइक। फर्स्ट मदर, मैंने यहाँ पे लिखा मदर, तो मेरी मदर को क्या पसंद है, तो यहाँ पे जो लाइक है वो यहाँ पे लिखना है, जो डिसलाइक है वो यहाँ पे लिखना है, ओके। सो मदर, मदर को क्या पसंद है? सीरियल्स। एंड तो प्रोग्राम दे डिसलाइक, उसको क्या नहीं पसंद है? स्पोर्ट्स। नेक्स्ट फादर, फादर को क्या पसंद है? डिस्कवरी एंड स्पोर्ट्स। उसको क्या डिसलाइक है? सीरियल्स। तो यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर से पूछना है कि मम्मी आपको क्या पसंद है, तो यहाँ पे लिखना है, उसको क्या नहीं पसंद वो यहाँ पे लिखना है। उसी तरह फादर से ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड मी, ओके, मी मतलब मुझे। सो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रदर को क्या लाइक है? स्पोर्ट्स एंड न्यूज़, एंड क्या डिसलाइक है? सीरियल्स। सिस्टर को म्यूजिक पसंद है एंड न्यूज़ जो है उसे नहीं पसंद। ग्रैंडफादर को न्यूज़ पसंद है एंड सीरियल नहीं पसंद है। ग्रैंडमदर को भी रिलीजियस मतलब धार्मिक चैनल जो है आती है वो पसंद है, सीरियल्स नहीं पसंद है। एंड मी, मुझे म्यूजिक एंड मूवीज पसंद है, न्यूज़ नहीं पसंद है। तो द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेम्बर लाइक, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो सब फैमिली मेम्बर को लाइक है सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पे देखो, सीरियल सिर्फ एक को ही पसंद है, डिस्कवरी सिर्फ एक को ही पसंद है, स्पोर्ट्स यहाँ पे वन और टू दो लोगों को पसंद है, फादर एंड ब्रदर, ओके। फिर न्यूज़ वन टू,
दो लोगों को म्यूजिक वन टू ओके एंड मूवीज सिर्फ मुझे रिलीजियस सिर्फ दादी को सो द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेम्बर्स लाइक ऐसा कौन सा प्रोग्राम है मतलब मैंने यहाँ पे लिखा स्पोर्ट्स क्योंकि फादर और ब्रदर को स्पोर्ट्स पसंद है तो मोस्ट ऑफ टीवी में हम क्या देखेंगे स्पोर्ट्स इन द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेम्बर डिसलाइक सबको ज़्यादा डिसलाइक कौन सा है तो सीरियल यस और नो यस क्योंकि सीरियल सबसे ज़्यादा सबको डिसलाइक है तो यहाँ पे आएगा स्पोर्ट्स एंड यहाँ पे आएगा सीरियल्स ओके मेरे साथ कंप्लीट करते जाओ नाउ टर्न योर पेज यहाँ पे सेकेंड है फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम्स दे लाइक एंड डिसलाइक आपको अपने 20 फ्रेंड्स ओके 20 फ्रेंड आपको जो है 20 फ्रेंड्स को मिलना है एंड उसे पूछना है कि उसे क्या पसंद है उसे क्या नहीं पसंद है सो राइटिंग द टेबल यहाँ पे टेबल दिया है काइंड ऑफ प्रोग्राम न्यूज सीरियल्स कार्टून्स कॉमेडी शोज एंड स्पोर्ट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग इट ऐसे कितने आपके 20 फ्रेंड में से जो मतलब फ्रेंड्स है जिसको न्यूज़ पसंद है तो ऐसे 5 चिल्ड्रंस है ऐसे मेरे 5 फ्रेंड्स है जिसे न्यूज़ पसंद है ऐसे तो अभी कितने बचे 15 जिसको ये नहीं पसंद है न्यूज़ इसका टोटल कितना रहेगा 20 ही रहेगा नेक्स्ट सीरियल कितने फ्रेंड्स को पसंद है मेरे 2 फ्रेंड्स को तो ऐसे कितने फ्रेंड्स है जिसे सीरियल नहीं पसंद है 18 टोटल 20 हो गए कार्टून्स किसे पसंद है 18 चिल्ड्रन को तो ऐसे कैसे कितने चिल्ड्रन है जिसे कार्टून नहीं पसंद है 2 कॉमेडी शोज 7 को लाइक है एंड 13 को डिसलाइक है स्पोर्ट्स 4 चिल्ड्रन को लाइक है एंड 16 को डिसलाइक है तो यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड से पूछकर कि न्यूज़ कितने को पसंद है सीरियल कितने फ्रेंड्स को पसंद है कार्टून कितने फ्रेंड्स को पसंद है कॉमेडी शो किसको पसंद है एंड स्पोर्ट्स किसको पसंद है तो ये सारा जो है आप लोगों को पूरा टेबल कंप्लीट करना है अपने फ्रेंड्स से पूछिए नाउ सम क्वेश्चन आंसर्स गिवन बिलो लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन लाइक करते हैं तो यहाँ पे देखो लाइक टेबल 5, 2, 18, 7 एंड 4 सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन किसके अंदर हुए 18 कार्टून्स में सो आवर आंसर इज कार्टून्स नेक्स्ट विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक्ड बाय द लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन ओके ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो डिसलाइक है सबसे लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन सबसे कम चिल्ड्रन को तो 2 कौन सा प्रोग्राम कार्टून्स ओके नेक्स्ट हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स कितने चिल्ड्रन को स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो लाइक है तो स्पोर्ट्स के अंदर क्या आएगा कितने स्टूडेंट्स ओनली 4 चिल्ड्रन ओके ओनली 4 चिल्ड्रन नेक्स्ट Is there any kind of program not liked by anyone? ऐसा कोई प्रोग्राम है जो किसी को भी पसंद नहीं है Yes or no? So no. If yes, then which one? यदि yes है तो वो कौन सा प्रोग्राम है तो आप ही अपना होमवर्क में भी कंप्लीट कर सकते हैं आपकी तरह से आपके फ्रेंड से पूछ के कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ठीक है अपने आप टेबल बनाइए एंड अपने आप ये क्वेश्चन आंसर जो है वो फिलअप कीजिए ओके ना नेक्स्ट हु इज माय फ्रेंड ओके एक छोटी सी पोयम है लेट्स रीड इट आई हैव अ फ्रेंड विद मी ऑलवेज इन द नाइट्स एंड थ्रू द डेज व्हेन आई रन ही रन्स विद मी समटाइम्स आई नीड समटाइम्स ही व्हेन इट्स डार्क He can't be seen. Do you know which friend I mean? Okay. Again I repeat. I have friend with me always. In the night and through the days. When I run, he runs with me. Sometimes I lead, sometimes he When it's dark,
He can't be seen. Do you know which friends I mean? Okay. So, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? पहले इसका मीनिंग जो है वो मैंने बता दूँ. I have friend. मेरे एक फ्रेंड है जो सब ऑलवेज मेरे साथ रहता है. In the nights and through the days. रात को भी एंड दिन में भी वो मेरे ऑलवेज साथ रहता है. When I run, जब मैं दौड़ता हूँ चलता हूँ, then it runs with me, मेरे साथ दौड़ता है. Sometimes I lead, कभी मैं आगे चलता हूँ वो पीछे चलता है. And sometimes he, कभी वो आगे रहता हूँ वो मैं पीछे रहता हूँ. When it's dark, he can't be seen, जब डार्क रहता है पूरा एटमोसफियर जो है वो अंधेरे रहता है, तब वो नहीं दिखाई देता. Do you know which friend I mean? मेरा फ्रेंड कौन सा है? Yes, अपना शेडो, जो अपना मतलब परछाई अपने गुजराती में गए तो शेडो जो है हमारा वो इसका आंसर है. अभी इसके क्वेश्चन आंसर से आपको क्या करना है, इसमें से आई कितनी बार आया है, ई कितनी बार आया है, लेटर बी कितनी बार आया है, लेटर वी कितनी बार आया है, ये सब काउंट करना है. ओके तो उसके क्वेश्चन है ऑन द पेज नंबर 165, लेट्स सी. सो यहाँ पे रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट, विच बर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन पोएम? विच बर्ड कम्स मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड ये पोएम के अंदर आया है? तो आपको पूरी पोएम देखनी है आराम से एंड फिर सोचना है कि कौन सा वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा पोएम के अंदर आया है. सो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड आई, आपको काउंट करना है और फिर यहाँ पे लिखना है. ओके नेक्स्ट, विच लेटर हैज बीन यूज्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा किस लेटर का जो है वो यूज किया है? सो लेटर ई. नेक्स्ट, विच लेटर कम्स द लिस्ट, सबसे कम कौन सा लेटर जो आया है? तो लेटर बी एंड लेटर वी. मैंने यहाँ पे मेरे मुताबिक आंसर लिखा है, आपको अपने आप फाइंड आउट करना है एंड फिर यहाँ पे आंसर कंप्लीट करना है. एच डब्ल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. नेक्स्ट, टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक. आपको एक पैराग्राफ लेना है लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, मतलब लैंग्वेज आपकी कौन सी है? इंग्लिश. सो इंग्लिश टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ जो आपको मतलब चूज करना है एंड देन रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट, उसको रीड करना है एंड फाइंड आउट करना है क्या. फर्स्ट, विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन, सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड आया है? एंड हाउ मेनी टाइम्स. विच वर्ड कम्स लिस्ट ऑफन, सबसे कम नंबर कम लेटर कौन सा आया है? थर्ड, द लेटर यूज्ड मोस्ट ऑफन इज एंड द लेटर यूज्ड लिस्ट ऑफन इज. ओके तो ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं. ओके सो आपको कोई भी अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में से पैराग्राफ चूज करना है एंड ये सारी ब्लैंक जो है आप लोगों को कंप्लीट करनी है. ओके नाउ नेक्स्ट, फूड वी ईट, ऐसा चैप्टर आया था पता है ईएनवी में, फूड वी ईट. ओके तो यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सी. चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स दे ईट इन द मॉर्निंग. कई चिल्ड्रन जो है वो इकट्ठे हुए एंड डिस्कशन कर रहे थे वो लोग आपस में कि मॉर्निंग में वो लोग क्या खाना खाते हैं. सो मेड ऑफ राइस, राइस से बना हुआ, व्हीट, मेज या बैली, मतलब कि राइस से बना हुआ नाश्ता जो घर ब्रेकफास्ट करते हैं, व्हीट से बना हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं, मेज से बना हुआ या फिर बैली से. सो फर्स्ट वन चिल्ड्रन सेज, आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस. मैं सुबह इन एवरी मॉर्निंग मैं राइस खाता हूँ या तो फिर राइस से बनी हुई कोई अदर थिंग्स. सेकंड चाइल्ड कहता है, आई ईट चपातीज मेड फ्रॉम व्हीट. मैं व्हीट से बनी हुई चपातीज इन द मॉर्निंग आई टेक इन द माय ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट चाइल्ड सेज, बट आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज. मैं मेज से बनी हुई रोटीज जो है वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में करती हूँ. अदर चिल्ड्रन सेड, आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड फ्रॉम बैली. बैली इट मीन्स इन गुजराती हम लोग जिसे जव कहते हैं, जव से बना हुआ सत्तू जो मैं सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर लेती हूँ. एंड नेक्स्ट चाइल्ड, अनदर चाइल्ड सेड, माई फेवरेट इज
porridge made from ragi. Ragi is one type of मतलब grains है and उससे जो बनी हुई porridge जो है वो इसे पसंद है breakfast में. तो यहाँ पे कितनी आइटम हुई, राइस से बनी हुई, wheat से, then maize, then barley and then ragi. So इसके मुताबिक हमें टेबल कंप्लीट करना है. लेट्स सी. सो यू फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल इन द टेबल. अभी आपको ये क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करना है. सो अभी तो आप लोग स्कूल पे नहीं है, तो आपको अपने आसपास के फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि किसको सुबह नाश्ते में क्या पसंद है. सो मेन फूड के नाम यहाँ पे लिखा राइस, व्हीट, मेज, बैरली एंड रागी. नंबर ऑफ पर्सन आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है कि कितने लोग सुबह राइस से बना हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं, व्हीट से एंड देन मेज एंड देन बैरली एंड देन रागी. मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है 10 ऐसे पर्सन है जिसको राइस से बना हुआ ब्रेकफास्ट जो है वो पसंद है, 20 ऐसे चिल्ड्रन है जिसको व्हीट से बना हुआ, 12 पर्सन जो मेज से बना हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं, 8 पर्सन जो बैरली से बना हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 पर्सन जो रागी से बना हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं. ओके, लुक एट द टेबल एंड टेल. अभी टेबल को देखना है एंड आंसर देना है. फर्स्ट, मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम. सबसे ज़्यादा ऐसा चिल्ड्रन कैसे हैं जो सबसे ज़्यादा उसे पसंद है, व्हीट, व्हीट से बना हुआ खाना खाते हैं. नेक्स्ट, कंपेयर टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को कंपेयर करो, हु ईट राइस दोज हु ईट व्हीट. जो राइस खाते हैं और व्हीट खाते हैं आर, मतलब जो राइस खाते हैं वो व्हीट खाते हुए चिल्ड्रन से, जिसे व्हीट पसंद है उससे चिल्ड्रन से मोर है या लेस. लेस क्योंकि ये 20 है एंड ये 10 है. व्हीट जिसे पसंद है ऐसे पर्सन 20 है एंड जिसे राइस पसंद है ऐसे पर्सन 10 है. सो The children who eat rice, those who eat wheat are less. Okay, तो यहाँ पे less के ऊपर टिक मार्क करो. Next, compared to those who eat wheat and eating ragi, मतलब रागी जो लोग जिस पर्सन को पसंद है और wheat जिसे पसंद है, तो रागी से wheat जिसे पसंद है उस पर्सन की जो नंबर्स है वो ज़्यादा है या लेस, मोर है या लेस, मोर. ओके, सो जिसे फिट पसंद है वो मोर, यहाँ पे जिसे राइस पसंद है वो लेस. ओके, तो आपको यहाँ पे मैंने मेरे मुताबिक नंबर लिखा है, आपको आपके मुताबिक नंबर के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट करना है. ओके, सो टुडेज आज मैंने होमवर्क के अंदर क्या दिया आप लोगों को, पेज नंबर 166 पे पूरा टेबल आपको अपने मुताबिक कंप्लीट करना है एंड आपको आंसर अपने मुताबिक देना है. एंड देन ऑन द पेज नंबर 164 फाइंड आउट द टेबल एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स, कंप्लीट द क्वेश्चंस. आपको ये होमवर्क में कंप्लीट करना है. उसके साथ साथ ऑन द पेज नंबर 164 पूरा ये टेबल आपको अपने फ्रेंड से मतलब जानकारी लेके कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है. एंड देन ऑन द पेज नंबर 163 आपको अपने फैमिली मेंबर से पूछना है कि इसको क्या लाइक है एंड डिसलाइक है, कंप्लीट करना है. ओके, तो आज हम इतना यहाँ तक ही रखते हैं. ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं. यहाँ तक का पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा, कंप्लीट करना है. एंड जो होमवर्क दिया है वो भी आपको कंप्लीट करना है एंड पूरा जो है वर्क के अंदर कंप्लीट करके मुझे साइन करना है. ओके, आई होप आप लोगों को इतना कंप्लीट हुआ है. बाकी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, गुड बाय.